मम्मी मम्मी बेटा आप कहाँ हैं? इधर आओ बेटा, आओ आओ। मम्मी मंदार उठ, मंदार उठ, क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए देर हो रही है। मंदार चलो, उठ जा, प्रैक्टिस के लिए देर हो रही है। मंदार उठो, जाग जा, वरना प्रशांत को खेलने के लिए भेज देंगे। मंदार चल, रहने दे, एक काम करता हूँ, नया मंदार ले आऊंगा जो मेरी हर बात मानेगा। नया मंदार कहाँ से लाओगे? तुम क्यों फिक्र करते हो? जाओ, किसे पड़ी है, लेकिन नया मंदार मेरे जैसा नहीं होगा, वह मेरी तरह तेज रन नहीं बना पाएगा, न ही वह मेरी तरह छक्के लगा पाएगा। एक चीज है जो वह कभी नहीं कर पाएगा। कौन सी? वह कभी आपको पापा नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि आप सिर्फ मेरे पापा हैं। और तुम सिर्फ मेरे मंदार हो। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी। मैं पहले हो जाऊंगा। हाँ, तुम पहले जाओ। एकदम तुम पर गया है, वो किसी को अपनी जगह नहीं लेने देगा। पापा जल्दी करो, हमें देर हो रही है। आया आया। पापा तौलिया देना। बेटा तौलिया देना। लो लो पकड़ो। देना।
चलो 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 चलो। दौड़ो 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 दौड़ो। एक और एक और एक और एक और एक और। दूसरा रन लो। एक और एक और एक और एक और। मंदार मंदार। मंदार हे मंदार। पानी पानी। अपना मुंह खोलो, थोड़ा और खोलो, अपनी जीभ बाहर निकालो। अच्छा, अपनी शर्ट उठाओ। अजमत जाओ बाहर बैठो, मैं तुम्हारे पापा की जांच करूंगा। क्यों, उनको क्या हुआ? तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, बाहर बैठो। मस्ती करना, हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कुछ टेस्ट लिखूंगा, उसे जन संजीवनी ले जाओ। जन संजीवनी हॉस्पिटल? इसे आम जांच माने, शक को दूर करना अच्छा है। हेलो डॉक्टर शिनॉय, मैं आपके पास एक मरीज भेज रहा हूँ, मंदार साठे। सात? सात साल। उसे कुछ दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आज सुबह खेलते समय उसको चक्कर भी आ गए। हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ मैं एक नोट लिखूंगा, कृपया देख लेना, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें। कुछ गलत हुआ है पापा? क्या तुम पागल हो? तुमने ठीक से नाश्ता नहीं किया, इसलिए तुम पास आउट हो गए और कुछ नहीं। मैं अब क्रिकेट नहीं खेल सकता है ना? अरे अब तुम काफी अच्छा खेलोगे, अच्छे तरीके से। ऐसा कैसे? तुम हार्दिक पांड्या को तो जानते ही हो। पांड्या पहले धीरे गेंदबाजी करता था, लेकिन उसने डॉक्टर से दवाइयां ली और एक छोटी सी सर्जरी करवाई। अब वो तेज गेंदबाज है ना? बस फिर तुम डॉक्टर के पास जाओगे, दवाइयां लोगे और ठीक हो जाओगे। फिर तुम कई छक्के लगाना। और ये हॉस्पिटल तो मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि तुम यहीं पैदा हुए थे, इसी हॉस्पिटल में। सच में? बेशक, इसी में। हम इसे देखेंगे। चल। पढ़ो क्या लिखा है। बिल्डिंग अंडर मेंटेनेंस। बहुत अच्छा, अंडर मेंटेनेंस मतलब यहाँ काम चल रहा है। बिल्डिंग भी बीमार नजर आ रही है। हे, इस आदमी को देखो, ये डॉक्टर शिनॉय है, ये उनका हॉस्पिटल है, ये इस बिल्डिंग में प्रैक्टिस करते हैं। क्या हम उनसे मिलें? हाँ चलो।
हटो हटो। मंदार साठे, हाँ आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है। सुनिए, डॉक्टर शेनॉय अंदर है। हाँ, क्या आपका मतलब मेरे पापा से है? कृपया बैठ जाइए। शुक्रिया। मैं उनकी बेटी डॉक्टर राधिका शेनॉय हूँ। पापा को 7 महीने पहले लकवे का दौरा पड़ा था, तो इसलिए वो अभी अस्पताल नहीं आते। मैं बच्चों के वार्ड को संभालती हूँ। बोलिए। हेलो, मैं श्रीकांत साठे हूँ। ये मेरा बेटा मंदार है। हेलो बोलो। हाय। हाय। गहरी सांस लेना एक बार फिर। ठीक है, लेट जाओ आराम से। नमस्ते। अपने पैर उठाओ। तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम्हारा जन्म इसी अस्पताल में हुआ था? हाँ। अरे वाह, तो आप हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। बेशक। सही कहा ना राजाराम? राजाराम पहले पैथोलॉजी, फिर एक्सरे, फिर ईसीजी। ठीक है, आइए। मिस्टर साठे, आप राजाराम के साथ जाएं और वो आपको बता देंगे। ठीक है, जरूर। मुझे छोड़ दो, दर्द होता है। एक मिनट रुके। मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे छोड़ दो। छोड़ो। रो मत भास्कर, अच्छे बच्चे बनो। छोड़ो छोड़ो, रो मत। डॉक्टर यहीं रहेंगे, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। छोड़ो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो, थोड़ी देर और रुको। बस थोड़ी देर रुको भास्कर। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं यहाँ हूँ। ये दर्द कर रहा है। शांत हो जाओ भास्कर, क्या हुआ? शांत 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 भास्कर, मुझे छोड़ दो, ये दर्द कर रहा है, मुझे छोड़ दो। हे, ये कुछ नहीं है। जो हुआ उसके लिए माफ करना। हम किसी भी तरह का दर्द सह सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं सह सकते। सही कहा। मंदार, चलो। सुनिए। हाँ। डॉक्टर रविश। हाँ। हेलो, मैं श्रीकांत साठे हूँ। आप मुझे पहचान नहीं पाओगे। 7 साल पहले मेरे बेटे मंदर का यहीं जन्म हुआ था, तभी मैं आपसे मिला था। ओ, मैं समझ गया। उसे क्या हुआ? सांस लेने में दिक्कत है, हमें कुछ टेस्ट करने हैं। डॉक्टर राधिका? हाँ, उन्हें करवाएं। ठीक है, शुक्रिया। आपको टेस्ट के लिए अलग से पैसे देने होंगे, इसे काउंटर पर भरें। मैं मंदार को वार्ड में ले जाऊंगा। मंदार, मैं वापिस आऊंगा। यहाँ पर बैठो, तुम्हारे पापा जल्दी यहाँ आएंगे, मैं तुमसे मिलूंगा।
मैं भास्कर हूँ और तुम? मैं हूँ मंदार श्रीकांत साठे। तुम्हें दर्द हो रहा था? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? नहीं तो, पापा ने कहा समय पर नाश्ता नहीं किया, मुझे चक्कर आ गया। तुम किस कमरे में हो? मैं अब घर जा रहा हूँ। लेकिन एलिजाबेथ ने कहा कि तुम्हें भर्ती कराया जाएगा। एलिजाबेथ कौन? मेरी मम्मी। तुम्हारी मम्मी? हाँ। क्या तुम उस खिड़की को देख सकते हो? वो वहीं रहती है। अगर मैं उसे इस फोन से फोन करता हूँ तो वो आ जाती है। दिखाओ। नहीं। तुम क्रिकेट खेलोगे? हाँ चलो खेलते हैं। गेंद कहाँ है? मंदार इधर आओ। आया। उठाओ। वहां क्या है? तुम एलिजाबेथ से मिलना चाहते हो है ना? खिड़की से? हाँ। तुम माँ को उनके नाम से बुलाते हो? सब इसी तरह उसे उसके नाम से बुलाते हैं। वहाँ क्यों रहती है? वो नर्स है ना? तुम्हारी मम्मी क्या करती है? मेरे पास मम्मी नहीं है। अगर तुम्हें फिर से चक्कर आते हैं तो एलिजाबेथ को बताना, वो तुम्हें अच्छे से ठीक कर देगी। वो सब कुछ जानती है, उसने कई बच्चों को ठीक किया है, वो मुझे भी ठीक कर देगी। मैं भी एलिजाबेथ से मिलना चाहता हूँ। तुम वापस जाओ और किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया था। वो तुम्हें मिलने के लिए बुलाएगी। गेट पर ताला लगा हुआ है। वहां देखो। मंदार, मंदार तुम कहां थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या भास्कर तुम्हारे साथ था? क्या तुमने भास्कर को देखा? राजाराम इधर आओ, भास्कर होगा। मंदार, मंदार उसने क्या पूछा? भास्कर कौन? भास्कर कौन? वो लड़का जो पेट दर्द की वजह से रो रहा था, वो बाहर निकलने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी वो 2 घंटे भी आराम नहीं करता। उसको क्या हुआ है? लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया।
कैंसर, आखिरी स्टेज का। इलाज मुश्किल और बहुत महंगा है। वही कनाथ है, उसका खर्च हम फंड इकट्ठा करते हैं, लेकिन भास्कर जैसे बच्चों के लिए इतने पैसे काफी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम समय पर सारे पैसे जमा कर लेंगे और मैं उसे मुंबई शिफ्ट कर दूंगी। उसकी जल्द ही एक सर्जरी होनी है। मैडम, मैडम, मुझे लगता है वो सीढ़ियों के जरिए भाग गया। तुम्हारे पास मेन गेट की चाबी है, खोलो इसे। हाँ मैडम, वो मंदार की रिपोर्ट। हाँ हमें जल्द ही रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको इंतजार करना होगा। जैसे ही मुझे मिलेंगी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? सॉरी पापा। फिर से ऐसा मत करना। पापा, भास्कर अपनी मम्मी से मिलने गया था। भास्कर की कोई मम्मी नहीं है। वह इस पुराने बिल्डिंग में रहती है। ये भास्कर की मम्मी यहाँ क्यों रहेगी? पापा, वह एक नर्स है, मुझे उसका नाम भी पता है। उसका नाम एलिजाबेथ। भास्कर की मम्मी एलिजाबेथ है। हाँ ठीक है। एलिजाबेथ, 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 बेटा, मैं यहाँ हूँ बेटा। डरो मत, मैं तुम्हें अच्छे से ठीक कर दूंगी। मेलबेट भारत की नंबर वन भरोसेमंद सट्टा खिलाने वाली कंपनी, जहां मिलते हैं सबसे ज्यादा भाव, बहुत आसानी से पैसे जमा और निकालने के तरीके। प्रोमो कोड FILM फिल्म का इस्तेमाल करें और पाए अपने पहले जमा किए हुए रुपए पर 10,000 रुपए तक का बोनस। मैडम ने आपके लिए भेजा है। मंदार उठो। ए मंदार, मैडम कृपया बैठ जाओ। शुक्रिया। बस एक मिनट, ठीक है? जरूर। उम्मीद है आपको भास्कर मिल गया होगा। क्या वो ठीक है?
मंदार। पता नहीं वो उस बिल्डिंग में क्यों गया। मिलने पर वो बुरी तरह से जख्मी था, शायद वो गिर गया था। जब हम उसे लाए तो उसे दर्द हो रहा था और हालत बिगड़ गई थी। मुझे उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। वो अब कैसा है? खून बह रहा है, अंदर ही खून बह रहा है। लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन अगर मैं एक बच्चे की जान भी नहीं बचा सकती, सब भगवान पर है। मैं डॉक्टर बनने के लायक नहीं हूं। प्लीज खुद को जिम्मेदार नहीं मानो। आप जैसे डॉक्टर ही बच्चों को प्यार से पालते हैं, यही हमारे लिए काफी है। मंदार तुम्हारा बेटा है। हाँ, क्यों नहीं, मेरे साथ आओ। मंदार, क्या हुआ? मंदार, इसे क्या हुआ? वो बेहोश हो गया। ले जाओ इसे, कमरे 4 में ले जाओ। हाँ, लेकिन उसे क्या हुआ? थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी रिपोर्ट चेक की है। छाती में थोड़ा बलगम है, अस्थमा की कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बल्कि अगर रिपोर्ट सामान्य नहीं होती तो हमें चिंता नहीं होती। रिपोर्ट्स भले ही नॉर्मल है, लेकिन वो अभी भी 2 बार बेहोश हो गया। सोते समय उसने सांस लेने की कोशिश की है, हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब क्या? आगे की जाँच के लिए हमें दूसरी इको करानी होगी। अगर उसमें कुछ नहीं होता है तो हम सीटी स्कैन और एमआरआई कराएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दिमाग में कुछ गड़बड़ है या नहीं। मैं उसे यहाँ 2 दिन के लिए रखूंगी, हमें तब तक रिपोर्ट मिल जाएगी और वो मेरी देखरेख में रहेगा। क्या ये ठीक है? हाँ। बढ़िया। मिस्टर साठे, मेरे पापा हमेशा कहते हैं शंका हमेशा मन में बनी रहती है, इसलिए मन में कोई शंका न रखें। उम्मीद है कि आप समझेंगे। हाँ, शुक्रिया। अच्छा बच्चा, लेट जाओ, आराम करो। अच्छा लग रहा है? मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। देखो क्या हुआ जब तुम बिना बताए चले गए। मैं आपको ढूंढने निकला था, फिर मेरी मुलाकात भास्कर से हुई, फिर मैं उसके साथ गया। भास्कर नहीं, वह है। लेकिन मैंने वादा किया था किसी को नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, आराम से। भास्कर उस लाल बत्ती वाले कमरे में छिपा है।
वो बेहोश होकर गिर पड़ा। हाँ हाँ उसे ले जाओ, उसे ले जाओ, हाँ उसे वार्ड में ले जाओ। देखो भास्कर ने डॉक्टर की बात मानी, उसने सारी दवाई ली और ठीक हो गया, इसलिए उन्होंने उसे घर भेज दिया। अब भास्कर यहाँ नहीं है तो उसे कैसे देख सकते हो? कल्पना कर रहे हो मतलब? कल्पना का मतलब एक व्यक्ति हमारे सामने नहीं, लेकिन हमें लगता है हम उन्हें चाहते हैं तो हम उन्हें देखते हैं। मैं मम्मी को क्यों नहीं देखता? पापा, भास्कर की माँ वहाँ रहती है, भास्कर के पास फोन है, वह उसे उस फोन के जरिए कॉल करता है, उसने उसे वहीं छिपा दिया है। भास्कर की मम्मी का मतलब एलिजाबेथ? हाँ, आपसे कहा था कि वह नर्स है, वह सभी बच्चों को ठीक करती है, उसने भास्कर को भी ठीक किया, अगर मैं उसे बुलाऊंगा तो वह मुझे भी ठीक कर देगी। हाँ, चलो कहानियां मत बनाओ। पापा आप खुद देख लीजिए, वहाँ होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, तुम पागल हो? पापा उधर देखो, यह वहाँ होना है, वह एलिजाबेथ का फोन है। हम बाद में ढूंढेंगे, तुम अब आराम करो। पापा देखो ना प्लीज। मंदार प्लीज, हम बाद में देखेंगे। पापा चेक करो। तुम नहीं मानोगे। नहीं है पापा, यह वहाँ होना चाहिए। कोई फोन नहीं है पापा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, देख लूंगा, तुम आराम करो। पापा मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, लेकिन तुम तब तक आराम करोगे। देखो ना, देखो प्लीज। मैं चेक करता हूँ, प्रॉमिस, मैं देखूंगा। अपनी आंखें बंद करो, शांत, गुड बॉय। मंदार हाय। हे, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक। अरे वाह, चलो हम कुछ टेस्ट करवाएं। नहीं। चलो ना प्लीज। नहीं प्लीज। नहीं, तुम एक अच्छे लड़के हो ना। वो कराएगा। ठीक है, ये हुई ना बात। समय खत्म। हाँ हाँ, देखने का समय खत्म हो गया है, चलिए आप भी, समय पूरा हो गया, जाइए कृपया, जाओ कृपया जाएं सब। क्या इंजेक्शन से दर्द होता है? मैं एक काम करूंगा, मैं डॉक्टर से कहूंगा अब मंदार को कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है? कुछ देर लेट जाओ और मैं घर जाऊंगा और वापस आऊंगा। मैं भी जाऊंगा। तुम कैसे जा सकते हो बेटा? मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या पापा तुम्हें अकेला छोड़ना पसंद करते हैं? तुम सो जाओ, पापा को कुछ जरूरी काम है, तुम्हारे उठने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। मैं नहीं सो रहा। मंदार ऐसा मत करो प्लीज, एक बार तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें घर ले जाऊंगा। आप जाओ, एक बार आप जाओ, मैं फिर भास्कर के साथ खेलूंगा, वह मुझे एलिजाबेथ के पास ले जाएगा। मंदार मुझे कुछ नहीं सुनना, और कोई बात नहीं, सो जाओ, सो जाओ, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे घूरो मत, अब एक बात नहीं। गुस्सा मत करो श्रीकांत, बच्चे डर जाते हैं। उसे देखो, मैंने उसे सोने के लिए कहा तो वह गुस्सा हो गया। मुझे घर जाना है, पैसे जमा कराने हैं, मैं नहीं जानता कि यह कितने दिन यहां रहेगा, क्या आप इसका ध्यान रखोगे? जरूर, चिंता मत करो। मैं एक घंटे में वापस आ जाऊंगा, कुछ चाहिए तो? क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ कोई एलिजाबेथ नाम की कोई नर्स है? एलिजाबेथ? नहीं, कौन? ठीक है, कुछ चाहिए हो तो कॉल करना, मैं छोड़ दूंगा।
हेलो हेलो एलिजाबेथ, हेलो एलिजाबेथ, हेलो एलिजाबेथ। बेटा तुम कैसे हो? भास्कर ने कहा कि आप सभी को ठीक करते हैं। मैं यहाँ रहकर बोर हो गया हूँ, तुम कब आओगी? मेरी तरफ देखो, मैं यही हूँ। कहाँ? मेरी तरफ देखो। हेलो हेलो एलिजाबेथ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अभी? हाँ हाँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ। मंदार, 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 क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? नहीं। क्या हुआ? मंदार कहाँ है? तुम क्या कर रहे थे? मैं 10 मिनट के लिए गया और वो चला गया। मेरा बेटा खो गया। उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? उसे ढूंढो। वो कहाँ जा सकता है? मंदार, वो यहाँ नहीं है। मंदार, बगीचे में देखो। मैं नीचे की तरफ देखता हूँ। सर, एलिजाबेथ को फिर से देखा गया। कौन सा बच्चा है? मंदार साठे। ठीक है, नजर रखना और मुझे बताते रहना। ठीक है सर। पापा, आप सोए नहीं? नहीं। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल। पक्का? हाँ, चिंता मत करो। चलो। क्या तुमने बच्चे को देखा? नहीं सर। दीदी, क्या तुमने बच्चे को देखा? नहीं, नहीं देखा। मंदार, एक्सक्यूज मी, क्या आपने कोई बच्चा देखा? नहीं। हेलो, क्या तुमने कोई छोटा लड़का देखा है? मंदार, 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 एलिजाबेथ, एलिजाबेथ।
एलिजाबेथ। एलिजाबेथ, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए ठीक कर दूंगी। अंदर अंदर मत जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। मुझे जाने दो, मुझे एलिजाबेथ से मिलना है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे एलिजाबेथ से मिलना है, आप मुझे जाने दो। राजा राम ने कहा कि आप किसी नर्स के बारे में पूछ रहे थे। हाँ एलिजाबेथ, कोई नर्स है जो बच्चों को ठीक करती है। मंदार उससे मिलने की जिद करता है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ, एलिजाबेथ एक नर्स या कोई व्यक्ति नहीं थी, वो भास्कर की कल्पना में थी। शायद उसने अपनी मम्मी की तरह देखा क्योंकि वो एक अनाथ था। उसका मानना था कि वो सच में है, वो देखभाल करती है और बच्चों को ठीक करती है। वह उस पुरानी बिल्डिंग में रहती है, वो ये सब सच मानता था। उसे अपनी मम्मी कहा उसने, बच्चों के साथ ये आसान है। जब भी मौका मिलता भास्कर उस बिल्डिंग में जाने की कोशिश करता और हम उसे रोक देते। मुझे लगता है जब भास्कर मंदार से मिला उसने एलिजाबेथ की कहानी को दिलचस्प तरीके से सुनाया होगा। मंदार की भी मम्मी नहीं है ना? दोनों बच्चे एक ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। वो सब कुछ जिसकी भास्कर ने कल्पना की थी अब मंदार की कल्पना का हिस्सा है। हमें मंदार पुराने भवन में मिला, वो एलिजाबेथ से मिलने गया होगा। मंदार अब एलिजाबेथ को अपनी मम्मी मानेगा, वो पक्का है। डॉक्टर, यह डरावना है। मिस्टर साठे, डरो मत, कभी कभी कल्पना बीमारी हो सकती है। डॉक्टरी भाषा में इसे हम साइको कहते हैं। क्या साइको? ये बच्चों में आम है। ये कल्पनाएं कुछ समय के लिए होती है, धीरे धीरे मंदार भूल जाएगा भास्कर और फिर एलिजाबेथ को। बस मंदार को खुश रखना जरूरी है, इस तरह वो ठीक हो जाएगा और जल्द ही घर वापस आ जाएगा। ये दवाई लो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मिस्टर साठे। मुझे बताओ। कृपया डॉक्टर राधिका को ये ना बताएं कि मंदार एलिजाबेथ को देख सकता है। क्यों? डॉक्टर राधिका थोड़ा कमजोर है, उन्हें भास्कर की बहुत चिंता थी। जब उन्हें पता चला कि भास्कर ने एलिजाबेथ को देखा है, उसने कई तरीके आजमाए, लेकिन भास्कर ने एलिजाबेथ को देखना कभी बंद नहीं किया। भास्कर के मरने से वो बुरी तरह टूट चुकी हैं।
शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मंदार ने अब डॉक्टर राधिका के लिए भास्कर की जगह ले ली है। इसलिए यह बेहतर होगा अगर उन्हें ना पता चले। ठीक है, शुक्रिया। जब मंदार जागे तो मुझे बताना, फिर मिलते हैं। हे मंदार, नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, इसे मत उतारो। पापा, मुझे पता है एलिजाबेथ कहाँ रहती है। यहाँ ना, ठीक है। मैं उससे मिलने ही वाला था, लेकिन राजाराम ने मुझे रोक लिया। राजाराम अच्छा आदमी नहीं है। ऐसा मत कहो मंदार, उसने तुम्हें ढूंढा है और तुम्हें वापस लाया। अगर उससे मिलते हो तो उसे थैंक यू कहना। नहीं कहूँगा, एलिजाबेथ के नाम पुकारता है। कोई एलिजाबेथ नहीं है, वैसे भी भूल जाओ। तुम क्या खाओगे? झूठ क्यों बोल रहे हो, एलिजाबेथ है, मैंने उसे देखा, मुझे भूख नहीं है। उस खिड़की को देख रहे हो, वह वहीं रहती है। वहां जाओगे तो आप उसे देखोगे। आप वहां जाओगे? तुम्हें पता है, जब तुम सो रहे थे तब डॉक्टर आए थे, जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगे, फिर हम घर चलेंगे। और पता है फिर क्या होगा? पापा तुम्हें नई क्रिकेट किट दिलाएंगे, नया बैट, बॉल, पैड, दस्ताने, मजा आएगा। पापा आप क्यों नहीं समझते? पापा अगर आप एलिजाबेथ से नहीं मिले, मैं ठीक नहीं होऊंगा। उससे मेरे बारे में बताओ कि मुझे क्या तकलीफ है, वह मुझे ठीक कर देगी। क्या कह रहे हो मंदार, ऐसे कोई ठीक नहीं होता। तुम दवा लो, डॉक्टरों की बात मानो और पापा की, तो तुम ठीक हो जाओगे। पापा एक बार तो उससे मिल लो, प्लीज प्लीज, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, मैं उससे मिलूंगा। ठीक है, क्या कर रहे हो? ध्यान से मंदार, ध्यान से। भास्कर ने मुझे एक नक्शा दिया था, देखो। क्या नक्शा? एलिजाबेथ के कमरे का नक्शा। ठीक है, मैं उससे मिलने जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं रहोगे, समझे? वादा। क्या ये नक्शा ठीक है, या मैं उसको ढूंढने जाऊंगा तो मैं खुद ही खो जाऊंगा? वादा। वादा। ध्यान से, इसे मत उतारो मंदार, ये पहनो, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, मैं वापस आता हूँ।
जिमी डिसूजा। एलिजाबेथ डिसूजा। जिमी डिसूजा, एलिजाबेथ डिसूजा। कौन है? मेरी मदद करो। कौन है? मेरी मदद करो। तुम क्या कर रहे हो? हाँ? मेरी मदद करो। मत रो, मत रो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ हो बहन? रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको बहन, रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको। हेलो बहन। हेलो, अंदर कौन है? चलो चले मंदार, कुछ टेस्ट करने होंगे। नहीं आऊंगा। इसका क्या मतलब है? पापा के आने तक रुको। पापा ने कहा कि तुम्हें ले जाएंगे। सर वो आया था। श्रीकांत, मुझे सच में खेद है तुम्हें इस तरह यहां लाने के लिए।
देखो, मुझे सामने आना पसंद नहीं है, डिस्कशन आमने सामने होना बेहतर है। डॉक्टर शेनॉय? हाँ। डिस्कशन? मुझे पता है आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं तुम्हारे बेटे के स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। एलिजाबेथ के बारे में क्या? मुझे लगता है कि डॉक्टर रवीश इस बारे में तुमसे पहले ही बात कर चुके हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आप सच्चाई जानते हैं या आपको बताया गया है, लेकिन पुरानी बेकार बिल्डिंग में मैंने एक औरत को मदद के लिए रोते हुए देखा। तुमने नहीं देखा श्रीकांत, ये तुम्हारी कल्पना थी। जब बच्चों की बात आती है तो मैं समझता हूँ वे भोले हैं, वे चीजों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन तुम भी मेरा भरोसा करो श्रीकांत, वहां ऐसा कोई इंसान नहीं है। ऐसी कोई नर्स नहीं है? तो आपके अस्पताल में गैर मौजूद लोग फॉर्म भरते हैं? फॉर्म? बच्चों का बनाया गया नक्शा। शेयर्ड साइकोसिस, भास्कर से लेकर मंदार तक और उससे तुम तक ये फैल रहा है। ये एक संक्रामक रोग की तरह है, ये संक्रामक है, हमें इसे रोकना होगा। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा करो, मैंने उसे देखा है, मैंने उस औरत को सहायता के लिए रोते हुए देखा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, आओ देखें कि तुमने क्या देखा। आओ। आओ। मैं गेट खोलता हूं, आगे बढ़ो। 40 से ज्यादा सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। जब राधिका का जन्म हुआ था, मैंने ये बिल्डिंग खरीदी थी और एक हॉस्पिटल शुरू किया था। ये बिल्डिंग 8 महीने से बंद है। मुझे लगा कि भास्कर के मरने के बाद चीजें रुक जाएंगी, लेकिन मंदार यहां एलिजाबेथ की तलाश में आया था। देखो कि क्या तुम्हें कुछ मिलता है। देखो ये बंद है, ये भी। इधर देखो, क्या कोई यहां है? सीक्रेट स्टेयर्स कहां है? इस तरफ से आओ। आओ। आओ, देखो, कुछ देखा? नहीं। भरोसा हुआ? क्या क्या तुमने एलिजाबेथ को देखा? डॉक्टर, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है
तो मैं मंदार को घर ले जाना चाहता हूँ। श्रीकांत बेवकूफ मत बनो, मंदार को बचाने के लिए राधिका बहुत मेहनत कर रही है, वो मंदार को भास्कर के जैसा नहीं भुगतने देगी, मेरा भरोसा करो, मैं ऐसा भी नहीं होने दूंगा, इसीलिए हम ये सावधानियां बरत रहे हैं। सावधानियों के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। तुम गलती कर रहे हो, मंदार की जिंदगी दांव पर है। मैं उसका बाप हूँ, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाने से पहले राधिका से जरूर मिल लेना, उनके पास मंदार की कुछ ताजा रिपोर्ट्स हैं। हाँ, राधिका को मत बताना कि तुमने भी एलिजाबेथ को देखा है। मिस्टर साठे, ये जो दो स्पॉट्स हैं, मंदार के दोनों फेफड़ों में सूजन है, मैंने बायोप्सी करवाई है, ये पॉजिटिव है। मतलब? मंदार को कैंसर हो सकता है। मिस्टर साठे प्लीज घबराइए नहीं। कैंसर? इतने छोटे बच्चे को? कई ट्रीटमेंट मौजूद हैं। यह कैसे पॉसिबल है मैडम? मिस्टर साठे, ये कैंसर की शुरुआत है, इसका डायग्नोसिस काफी पहले हो गया है, एक छोटी सी सर्जरी से दोनों घाटों को हटाया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर कीमोथेरेपी के कुछ सेशन भी किए जा सकते हैं। मिस्टर साठे, चिंता की कोई बात नहीं है, आप किस बारे में सोच रहे हैं? एक आम आदमी क्या सोचेगा? मैं समझती हूँ, लगभग इस पर 1 करोड़ का खर्च आएगा, आपका मेडिक्लेम कितना कवर करता है? मेडिक्लेम ओवरड्रा हो चुका है। आप चिंता मत करो मिस्टर साठे, हमारा एक एनजीओ से टाइप अप है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं तो मैं आपके केस को रेफर कर सकती हूँ, वो सर्जरी और दवाओं के सभी खर्च को मैनेज कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन मिस्टर साठे, देरी से काम नहीं चलेगा, हमें जल्दी से जल्दी फैसला करने की जरूरत है, क्या ये ठीक है? ठीक है। हाय मंदार। देखो वहाँ कौन है। पापा, मेरी गाड़ी ले लो। हे मदार, ऊपर देखो, कैमरे की तरफ देखो, हाय हेलो कहो। हेलो मदार, यहाँ पर बैठो, उस पर नजर रखना, साहब ने बोला है। मिस्टर साठे, मंदार ठीक है, प्लीज बुरा ना माने। थैंक यू। रुको,
ठीक हो गया हूँ। मंदार तुम ठीक हो गए? हाँ, मैंने अब से कहा था एलिजाबेथ मुझे भी ठीक कर देगी। एलिजाबेथ वो कहाँ? हाँ, है? वहाँ है वो। एलिजाबेथ एलिजाबेथ मुझे बचाओ पापा, मुझे बचाओ। मिस्टर साठे, बधाई हो। फंड का इंतजाम हो गया है, सारा इंतजाम कर लिया गया है। मंदार आजाद ऑब्जर्वेशन में रहेगा, हम कल उसका ऑपरेशन करेंगे, ठीक है? कितना टाइम लगेगा? 3-4 घंटे। चिंता मत कीजिए मिस्टर साठे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मदार बहुत भाग्यशाली है, लोग डोनेशन का पैसा इकट्ठा करने के लिए महीनों इंतजार करते हैं। लेकिन देखो, आपके बेटे का पैसा 4 दिनों में इकट्ठा हो गया। आपका शुक्रिया। मेरा शुक्रिया किस लिए? राधिका को शुक्रिया कहना चाहिए, यह सब उसकी बदौलत है। मैं चलती हूँ, मैं डोनेशन का पैसा हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। एक मिनट। मंदार, ठीक लग रहा है सनी बॉय? मैंने डॉक्टर राधिका को डांटा था, मैंने कहा मंदार की तबीयत क्यों खराब है, सब क्या कर रहे थे। उसने कुछ मजेदार बताया, उन्होंने कहा कि उन्हें मंदार के लिए एक जादुई दवा मिली है, वह कल सुबह देगी और फिर चैन से सो जाओगे, मंदार के उठते ही वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा कि दर्द कहाँ कर रहा था और क्या कर रहा था, ठीक हो जाएगा। पापा, एक नया मंदार ढूंढ लो। ऐसा मत कहो बेटा। आप एलिजाबेथ से नहीं मिले हैं ना? मैं ठीक नहीं होऊंगा। सर, देर हो चुकी है, बाहर बैठो। उससे मिलो पापा, उससे मिलो। सर प्लीज बाहर जाओ। बेटा चिंता मत करो, मेरी तरफ देखो बेटा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए ठीक कर दूंगी। तुम लोग काम के नहीं हो, कहाँ गया? मैंने तुमसे नजर रखने के लिए कहा था, है ना, और तुम सो गए। घूरना बंद करो और उसे ढूंढो, जाओ जल्दी करो। तुम इंजेक्शन रखते हो, मैं दिखाता हूं। नहीं, चुप, वहां खड़े हो जाओ। ये कौन है? मुझे नहीं पता। तुम? मैं तुम्हें बताता हूँ, एलिजाबेथ नाम की एक नर्स पहले यहाँ काम करती थी। पुरानी बिल्डिंग में? नहीं, वो बिल्डिंग लंबे वक्त से बंद है, लेकिन डॉक्टर शिनॉय ने उसे उस बिल्डिंग में रखा। क्यों? क्यों? उसका 3 साल का बेटा, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, उसका नाम जिमी था।
उन्हें कैंसर का पता चला था, लास्ट स्टेज, वो मर गया। और एलिजाबेथ पागल हो गई, उसके पागलपन में उसने हॉस्पिटल में 3 बच्चों को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया। जब पूछा गया, उसने कहा कि उसने उन्हें हमेशा के लिए ठीक कर दिया। हॉस्पिटल की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसे पुलिस के हवाले नहीं किया गया, तो पुरानी बिल्डिंग के एक कमरे में डॉक्टर शिनॉय ने उसे बंद कर दिया, लेकिन 3 दिन के अंदर वो भाग गई। फिर मुझे नहीं पता सर, मैं यहाँ नहीं था, मैं अपने गांव गया था। ये शेरड संकोसिस क्या है? पता नहीं। 8 महीने में 2-3 बच्चों ने कहा, वे एक नर्स को देख सकते हैं, उसका नाम एलिजाबेथ है। मैंने डॉक्टर शिनॉय को इसके बारे में बताया था, उन्होंने कहा कि बच्चे चीजों की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन वे बच्चे एलिजाबेथ से मिलने पुरानी बिल्डिंग में जाने लगे, वहाँ और वे सब बच्चे मर गए। हाँ, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर राधिका ने मंदार की सर्जरी की व्यवस्था की है, वो जरूर ठीक हो जाएगा। एक बार जब वो ठीक हो जाए तो आप उसे घर ले जा सकते हो। हाँ, धीरे धीरे वो एलिजाबेथ को भूल जाएगा, तुम भी उसे भूल जाओ। क्या होगा अगर एलिजाबेथ मंदार को नहीं भूली? हटो। मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, अब और क्या चाहिए तुमको? एलिजाबेथ से मिले, चलो। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, चलो। सर, मैं खोल देता हूँ। एलिजाबेथ का कमरा कहाँ है? कमरा कहाँ है? वहाँ। चलो। दरवाजा खोलो, राजा राम, दरवाजा खोलो। एलिजाबेथ के साथ खिलवाड़ मत करो। राजा राम, दरवाजा खोलो। एलिजाबेथ के साथ खिलवाड़ मत करो। राजा राम, मत करो। एलिजाबेथ के साथ खिलवाड़ खोलो। एलिजाबेथ के साथ खिलवाड़ मत करो।
का भरोसेमंद नंबर वन कैसिनो मेलबेट। खेलिए ब्लैक जैक, बैकराट और बहुत सारे अन्य प्रकार के रूलेट गेम्स, वो भी लाइव डीलर के साथ। प्रोमो कोड FILM फिल्म का इस्तेमाल करें और पाए अपने पहले जमा किए हुए रुपए पर 1,55,000 रुपीस का बोनस और साथ में 290 फ्री स्पिन्स। हेलो एलिजाबेथ। मंदार। पापा। मंदार, मैं एलिजाबेथ से मिला। एलिजाबेथ, तुम मुझे ठीक कर दोगी ना? मेरे पापा तुमसे मिले। चिंता मत करो, अब तुम ठीक हो जाओगे। हाँ मंदार। मंदार, मैडम। लोग क्यों नहीं समझते? वर्ड बॉय। मैडम, मंदार को ओटी में ले जाओ, हमें अभी काम करना है। पापा। मैडम। पापा। रुको, मैडम। जल्दी करो। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? हे, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? मैडम, मंदार। रोको, मंदार को बुलाना बंद करो। बेटा, तुमने भास्कर को कैसे मारा? बेटा, मंदार तुम्हारा बेटा नहीं है। बेटा, तुम्हारा बेटा जिम्मी था, कैंसर से उसकी मौत हो गई। बेटा, तुम इसे मान नहीं रही हो। बेटा, जिम्मी मर गया, जिम्मी मर गया, जिम्मी मर गया है एलिजाबेथ, जिम्मी की मौत हो गई है। छोड़ो, 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 एलिजाबेथ जाने दो। मंदार बीमार है एलिजाबेथ, मंदार बीमार है एलिजाबेथ, छोड़ो। मैं तुम्हें मंदार को नहीं मारने दूंगा एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, मंदार मेरा इंतजार कर रहा है, छोड़ो। बेटा, बेटा, डॉक्टर, तुम एलिजाबेथ को देखना चाहते हो? क्या बोला था? वहाँ है, वो वहाँ बैठी है। डॉक्टर, मैं तुम्हें एलिजाबेथ दिखाऊंगा। सर, हे
वह राजा राम, क्या ये है? ये 2 मिनट में टूट जाएगा, बदल दो। जी महोदया। क्या तुम स्ट्रॉन्ग डोज नहीं दे सकते थे? ये 5 मिनट में उठ जाएगा। डॉक्टर रविश, आप नहीं समझते? तो तुम मुझे सिखाओगी? स्ट्रॉन्ग डोज से वो मर गया होता, पोस्टमार्टम में पता चल जाता। सर प्लीज मुझे इससे आजाद करो, मेरा काम हो गया। इस हॉस्पिटल और आपकी बेटी को संभालते हुए, मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे बाद सबसे सीनियर था और अब भी हूँ। इस तरह नियमों के अनुसार मुझे मैनेजमेंट को संभालना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हारी बेटी अचानक डॉक्टर बन गई और तुम प्यार में अंधे हो गए थे। ओ, ये मेरे पाप का हॉस्पिटल है। पिछले 8 महीनों से कारोबार में 300 की बढ़त हुई है। ये किसने किया? मैंने। बच्चों की मौत दर भी 300% बढ़ गई, क्या तुम ये नहीं देख सकती? इसका भी क्रेडिट लो। मैंने एक या 2 गलतियां की, तो क्या मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया? पापा, मैंने मंदार का इलाज ठीक से प्लान किया है। आपको मुझ पर गर्व होगा। सर्जरी हो जाने के बाद आप देखेंगे, आपको मुझ पर गर्व होगा पापा, ये सच है। मंदार को सर्जरी की जरूरत नहीं है, तुम ये अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारे हर वक्त काम करने की जरूरत नहीं है, हमें बस दिखावा करते हैं। हमने कई बार किया है, क्या तुम नहीं समझी? मुझे पता है, लेकिन मैं बस अनाथ और गरीब बच्चों का ऑपरेशन करती हूँ, इस तरह से हमें फंड मिलता है। अगर मैं सर्जरी नहीं करती तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगी? तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम समझ रही हो? प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। पापा, पापा देखो वो क्या कह रहा है। तुम 3 बार फेल हुई हो पापा, कुछ उम्मीद है बोलो, कि तुम्हें अच्छे से याद होगा। ये बोल रहा है, इससे वो मेंटली अफेक्टेड हुई है। एलिजाबेथ का जिक्र आते ही वो पागल हो जाती है। क्यों नहीं, मैं पागल क्यों नहीं हो जाऊंगी? वो सिर्फ एक नर्स थी, लेकिन एक डॉक्टर को डिक्टेट कर रही थी। वो मेरे मरीजों की मदद करती थी और बच्चे भाग जाते थे। अरे तुम डॉक्टर नहीं हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम कौन हो मुझे बताने वाले? तुमने क्या किया? मैंने चीजें प्लीज इसे बंद करो, तुम दोनों। गलतियां की गई हैं और हमें इसे ठीक करने की जरूरत है। और राधिका, मंदर पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा प्रैक्टिस? हाँ, बस उसकी छाती पर एक कट बनाओ, उसे सिल दो और कहो कि उसका ऑपरेशन हो गया। बस इतना ही, ठीक है? मुझे लगता है रवीश, तुम्हें ये करना चाहिए। पापा, मैं ये कर सकती हूँ। इसका क्या? वो जितना जरूरी है उससे ज्यादा जानता है, उसे मार दो। कोई पूछे तो क्या, बस बोलो उसने अपने बेटे को छोड़ दिया और वो कभी वापस नहीं आया। सर तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? मैं मंदार की मदद कर रही थी, है ना? मैंने 4 दिनों में पैसा इकट्ठा किया था और तुमने क्या किया? मैं बस मंदार का ऑपरेशन करने जा रही थी, पर अब मैं उसका पोस्टमार्टम भी करूंगी।
उसे खत्म कर दो। हाँ क्योंकि तुम सिर्फ मेरे पापा हो। मंदार अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, है ना? अब तुम बेहतर क्रिकेट खेलोगे, बेहतर तरीके से। मैं माँ को क्यों नहीं देख सकता? पापा पापा कोई नया मंदार ढूंढ लो। पापा अगर आप एलिजाबेथ से नहीं मिले, पापा मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो पापा। मैंने दूसरे वीडियो में फेफड़ों के कैंसर के उपचार के बारे में बात की है। इसमें फेफड़ों के कैंसर के सर्जरी के बारे में बात करना चाहूँगा। स्टेज वन या शुरुआती फेफड़ों के कैंसर के लिए सर्जरी सबसे अच्छा इलाज है। सबसे अच्छा इलाज। हाँ पापा। तुम कहाँ हो राधिका? ओटी में, मैं अब सर्जरी शुरू करूँगी। मैंने तुमसे कहा था कि नहीं। पापा चिंता मत करो, मैंने वीडियो देखी है, मैं संभाल सकती हूँ। नहीं राधिका, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पापा बस भरोसा रखो। पापा क्या हुआ राधिका? पापा मंदार कहाँ है? कहाँ गए? पापा मुझे प्रैक्टिस करनी है। पापा शांत हो जाओ राधिका। कहाँ है? प्लीज उसे ढूंढो पापा। राधिका रिलैक्स। एलिजाबेथ उसे भी ले गए पापा। पापा हम घर जाएंगे। लाइव कैसीनो डीलर्स के साथ खेलें बहुत ही मजेदार गेम्स, जैसे कि ब्लैक जैक, बैकरेट और अलग अलग प्रकार के रूले गेम्स। हमारे प्रोफेशनल डीलर्स आपके खेल और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं और आपको लाइव कैसीनो का एक अलग अनुभव दिलवाते हैं। हमारा मॉडर्न प्लेटफॉर्म और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होने की वजह से हम 100% गारंटी के साथ अपने प्लेयर्स को एक ईमानदार और बिना रुकावट खेल खिलवाते हैं। प्रोमो कोड फिल्म का इस्तेमाल करें और पाएं अपने पहले डिपॉजिट पे 1,55,000 तक का बोनस और 290 फ्री स्पिन्स। संजीवनी हॉस्पिटल को लेकर एक बड़ा खुलासा। श्रीकांत साठे को यकीन था कि उनके बेटे की कैंसर की रिपोर्ट गलत है। इसने एक पूरी नई कहानी को जन्म दिया। सूत्रों के अनुसार पुलिस को मिले नर्स की हत्या के सबूत।
जिस किसी को भी ये फोन मिल जाए प्लीज इसे पुलिस को सौंप दे प्लीज। मेरा नाम एलिजाबेथ डिसूजा है, मैं जन संजीवन हॉस्पिटल में बतौर नर्स का काम करती हूँ। मेरा बेटा जिमी डिसूजा बीमार था, मैंने उसे जन संजीवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर राधिका ने उसका गलत इलाज किया और उसकी गलत सर्जरी कर दी, उसने मेरे बेटे को मार दिया। मैंने डॉक्टर रविश और डॉक्टर राधिका को बहस करते देखा, इस तरह मुझे पता चला कि राधिका डॉक्टर नहीं है। मैंने पुलिस से शिकायत की तो उसके पिता डॉक्टर समाकांत शनाई ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मुझे पागल घोषित कर दिया गया। ये लोग फर्जी रिपोर्ट बनाते हैं और बहुत सा डोनेशन इकट्ठा करते हैं, उन्होंने जिमी की भी फर्जी रिपोर्ट बनाई, ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। जिस किसी को भी ये फोन मिले प्लीज मेरी मदद करें, मैं मर सकती हूँ लेकिन मेरे बेटे का बदला लो। इन लोगों ने कई बच्चों की हत्या की है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। जिमी, जिमी, जिमी। तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था, क्या परेशानी है? जिमी, जिमी। सर, दरवाजा खोलो, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। राधिका ने गलती की, मैं मानता हूं, लेकिन क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? नहीं, दिमाग लगाओ। मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितना तुम चाहोगी। अपनी बेटी को यहाँ ले आओ और मैं उसे मार दूंगी, तब मैं तुम्हें पैसे से मुआवजा दूंगी। तुम दो कौड़ी की नर्स हो और तुम मुझे चुनौती दे रही हो? ये है जिमी की रिपोर्ट, ये देखो, ओरिजिनल। उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, समझी? तुम पर कौन भरोसा करेगा? पापा, मैंने तुमसे कहा था कि वो पीछे नहीं हटेगी। पापा, तुमने उसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी गई, हत्या। उसे उसके बेटे के पास दफना दो। जी सर। डॉक्टर शेनॉय, तुमने अपनी बेटी को बचाने के लिए एलिजाबेथ के बच्चे को मार डाला, तुमने एलिजाबेथ को भी मार डाला। क्या मिला? आखिरकार एलिजाबेथ ने सबक सिखा दिया। उन जैसे कुछ क्रूर डॉक्टरों की वजह से सभी डॉक्टरों को बुरा कहा जाता है। जन संजीवन हॉस्पिटल की रिपोर्ट सब फर्जी है, मंदार को सिर्फ हल्का अस्थमा है और वो बहुत जल्द ठीक महसूस करने लगेगा। सच है कि हमने फंडिंग की व्यवस्था की, लेकिन हम मरीजों की रिपोर्ट पर भरोसा करते थे। यह मानने की कोई वजह नहीं थी कि हर रिपोर्ट फर्जी है। हम आम लोग हैं इंस्पेक्टर, हम अपना घर और जेवर बेचते हैं और हर पैसा इकट्ठा करते हैं और बिना किसी परेशानी से डॉक्टरों से कॉन्टेक्ट करते हैं, क्योंकि हम डॉक्टरों को भगवान मानते हैं। उसे पेट में दर्द था, उसने दवाई दी लेकिन इससे दर्द बढ़ गया। मेरा एक रिश्तेदार इस हॉस्पिटल में 3 दिन से वेंटिलेटर पर था, लेकिन हमें शक है कि वह पहले ही मर चुका है। मुझे यकीन है अगर हम उनसे सलाह लेंगे तो वो हमें ठीक कर देंगे, और वे क्या करते हैं, वे हमारे डर को भुनाते हैं, वे हमारे डर का इस्तेमाल कर आम लोगों से पैसे ठगते हैं। हमने दूसरे डॉक्टर से सलाह ली, तब हमें पता चला कि उसकी दवाओं से एलर्जी होती है। हमने काफी पैसा बर्बाद किया। हमारी संस्था ने संजीवनी हॉस्पिटल में मुकदमा कर दिया है इस केस के खिलाफ शेन्या परिवार अदालत में। मेडिकल एसोसिएशन ने जन संजीवन हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जांच आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। ये लोग माफी के लायक नहीं हैं।
इन जैसे डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। साइड हटो, साइड हटो, साइड हटो, उन्हें ले आओ, हटो 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 हटो, एक तरफ हटो, हटो से। हमें सौंप दो उन्हें। तुमने कितने मरीजों को ठगा है, कितने मरीजों को, डॉक्टरों को भगवान माना जाता है। तुम एक शैतान हो। अच्छा हुआ वे पकड़े गए।